जो हमारा भारत देश है वो त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार की अपनी एक अलग खासियत है और हर त्योहार को बहुत ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। बिल्कुल रतिका, और आज से भारतीय पंचांग के अनुसार शुरुआत हो चुकी है चैत्र माह की। और दर्शकों, आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से। बिल्कुल, और ये जो नया साल है अपने साथ एक नया सवेरा लेके आता है और हमें अंधकार पर विजय पाने का संकेत देता है। बिल्कुल, और आज से ही हमारे यहाँ सुख और समृद्धि के नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं नव संवत्सर पर यह रिपोर्ट। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होती है। नव संवत्सर यानी नव वर्ष भारतीय पंचांग और भारतीय संस्कृति के लिए है। इसकी गणना आज से हजारों वर्ष पूर्व चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने के अनुसार किया गया। इसकी गणना में जहां सौरमान दीनमान को रखा गया, वहीं ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित इस प्रणाली का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। इसका निर्धारण पंचांग की तिथियों के आधार पर सूर्य की पहली किरण के उदय के साथ माना जाता है। भारतीय पंचांग पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है और इस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जहां ना सिर्फ हम दिन और तिथियों का निर्धारण भी करते हैं, वहीं बहुत सारे ज्योतिषीय या खगोलीय होने वाले परिवर्तनों को भी परिभाषित करता हुआ हमारा पंचांग होता है। भारतीय परंपरा में नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होता है। प्रकृति जब परिवर्तन करती है तो उस समय नए वृक्षों में भी पत्ते आ जाते हैं, शांत वातावरण हो जाता है, सर्दी गर्मी का भी असर सामान्य हो जाता है। समशीतोष्ण वातावरण में प्रकृति जब अपने को परिवर्तन करती है तो कालखंड के छोटी छोटी इकाइयों को जहाँ एक वर्ष की संज्ञा दी गई उसको हम नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं। संवत्सर का अर्थ है सम बसंती ऋतवो यत्र, अर्थात जहाँ ऋत का अर्थ है कालखंड की छोटी छोटी इकाई, जैसे तिथि, बार, नक्षत्र, युग, साथ में दिन रात्रि जिसको हम अहोरात्र कहते हैं, उसके साथ साथ मास, पक्ष, अयन, ऋतु, और तब जब ये पूरा कालखंड 12 महीने का हो जाता है उसी को हम संवत्सर कहते हैं। इसमें सभी ऋतुएं आती हैं। भारतवर्ष में प्रकृति जब अपने नव यौना स्थिति में होती है, नए अन्न आ जाते हैं, इसीलिए नव षष्ठेष्ठ यज्ञ भी इसी दिन प्रारंभ होता है। और इस दिन माँ दुर्गा को, जिसको हम माँ के प्रति मात्र देव भव की हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ये कल्पना है कि माता को सर्वाधिक महत्व दिया गया। हमारे यहाँ इस देश को भी माँ कहते हैं, भारत माँ, यहाँ की मिट्टी को हम माँ कहते हैं और माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, हमारी भूमि माँ है, उसके हम पुत्र हैं। नव संवत्सर चैत्र मास से मनाने की जो परंपरा हमारी है वो आदिकाल से ही है, सृष्टि के आरंभ से ही है। कहा गया है कि चैत्र मास जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, चैत्र मास का जो प्रथम दिन था और वह भी अमांत मास से मनाया जाता है। अमांत का अर्थ ही है कि दर्शावध दिन काल मुसंति चंद्रम, जब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत मास होता है। इसी रूप में नव संवत्सर मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चल रही है। इस वर्ष अब जो दो संवत विक्रमादित्य का जो कीर्ति गाथा गाता है वह 2081 संवत्सर आरंभ होगा, इसको हम कालयुक्त संवत्सर कहेंगे। इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 9 अप्रैल को वर्ष का प्रथम दिन होगा
इस दिन सभी हर्षोल्लास से हर्ष उल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाएं।